और चीज भी कहूं, मैं चाहे जिसके बारे हो, ये गलत हो गया। I think security वाले हैं, जरा चेक कर ले कुछ स्टेज पे चीजें। आप अपनी फिल्म का कह दे कोई। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। ए मौलिया, एनन दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर। शुएब साहब ने कहा, देखो जो इज्जत तुम्हें इस मुल्क ने दी है, जो मकाम दिया है, उस पर तुम ये नहीं तो ये बहुत छोटी चीज है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, कोई तुम्हारी तरीके कर रहा है। तुम्हें इन लोगों ने रखा यहाँ है तो थोड़ा तो इनका हक है, और हक है, बिल्कुल हक। जाने वो कैसे मिले सात गाये मिलके, हम मिले तो जब कलियां मांगे। मारा 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 वजात रऊफ वजात, इधर आ जाओ। मायरा 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 अस्सलाम वालेकुम क्वेटा। आपको शायद शाह साहब ने बताया होगा, हमारी कुछ दिन ही पहले ये बात हुई। उन्होंने कहा कि क्वेटा जाना है। मैंने कहा मैंने कभी क्वेटा गई नहीं हूँ, और अस्सलाम वालेकुम। और कभी कभी हम इस खूबसूरत शहर, इस खूबसूरत सूबे को ओवरलुक करते हैं, तो अगर मेरे जाने से मुझे भी और लोगों को भी पता चल जाए कि कितने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, तो क्या ही बात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा अब जरा तहम्मुल से मायरा की बातें भी सुने, और वजाहत रहूं हमारे मुल्क के नामवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, भरपूर तालियां वजाहत रहूं के लिए। वजाहत अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम क्वेटा, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? मायरा ऐसा लग रहा है हम कॉन्सर्ट पे आए हैं और आप रॉक स्टार हैं। आपने गाने गाने आज? अच्छा जी, हम शुरू करते हैं मायरा जी के साथ अपना सेशन। जब मुझे शाहजी ने कहा कि क्वेटा में करना है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को बिजी शो कर रहा था, पर जब मुझे बताया कि मायरा खान का इंटरव्यू करना है, तो मैंने कहा यस यस यस। आप लोग बेशक, आपको आवाज आ रही है सबको ठीक? जी, मैं थोड़ा इनका इंट्रो करा दूं। मेरा ख्याल था कि ये बैक स्टेज होंगी और मैं इनकी तारीफें करूंगा, आप मुंह पे करनी पड़ेंगी। जब हम बाहर जाएं अपने मूवीज के लिए, या इंडिया या अमेरिका या कहीं भी, और बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो मैं उनसे कहता हूँ हमारे पास मायरा खान है। और किसी भी इंटरनेशनल स्टार से ये कम नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ यू मायरा, प्लीज कीप गोइंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आई लव यू टू, बोलने नहीं देना हमें। बट अगर आपने मायरा को सुनना है तो थोड़ी सी खामोशी कर लें।
वरना आपको समझ नहीं आएगी ये इतना कराची से आई हैं। What do I do? Okay, guys. अच्छा सुनिए, मुझे शाह साहब कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम इस क्राउड को चुप करा दो, क्या ये हो सकता है? नहीं, मत बोलिए, बोलिए हाँ। Yes, Khairat, yes. So, थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करेंगे, छोटा सा सेशन करेंगे और फिर मैं आप सबके साथ बातें करूंगी, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, हल्ला गुल्ला करें, जो आपको करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज प्लेन में मैंने मायरा से पूछा था कि मैं आपको सवाल बता दूं, पेपर आउट कर लूं, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं और जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं चाहूंगा कि चंद ही सवाल है हम शुरू करें और मायरा मैं चाहूंगा कि हम डे वन से शुरू करें। हम अपनी बातें करते हैं, सुन लेंगे। ठीक है। तो डे वन के कुछ सवाल हैं मेरे पास। जब वेन यू वर अ टीनेजर, उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई करते हुए पहली थॉट आर्ट्स की तरफ थी या कुछ और बनना था, क्या प्लान था? लाइक टीनेजर एज इन 16, 17। ऑनेस्टली मैं हमेशा से एक्टर बनना चाह रही थी। मैं कैसे बोलूं, जी सुनने दें, एक सवाल का जवाब दे रही है मायरा, उसके बाद जवाब के बाद शोर मचाए आप बेशक। ठीक है जी। जी सो आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जब मैं बहुत छोटी थी मैं एक्टर बनना चाहती थी, मगर साइंसेस में बहुत अच्छी थी तो वो एक चीज़ थी कि ये बच्ची एक्टर भी बनना चाहती है। और मैं कहती थी कि मुझे ना एक्टिंग का शौक है। एक्चुअली मैं जब टीवी देखती थी तब तो, मैं कोई फिल्म देखती थी तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। आई यूज़ टू बी लाइक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। सो मेरी अम्मा अब्बा सब कहते थे कि पढ़ लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। सो इफ़ यू आस्क मी इन माई टीनेज ईयर्स आई वॉज डेड श्योर दैट आई वॉन्ट टू बी अ मूवी एक्टर, अ फिल्म एक्टर। आपके फादर से भी आज हमारी गप लगी जी और उन्होंने भी यही बात बताई कि जब मायरा ने कहा मुझे ये करना है, आर्ट्स की तरफ जाना है, तो मैंने कहा बाय ऑल मींस। तो फैमिली सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जी। अब्बा की सपोर्ट हमेशा थी। ऑब्वियसली अम्मा, नानी, अगर दादा दादी उस वक्त जिंदा होते तो आई एम श्योर मेरे दादा मुझे कहते ये नहीं, ऑब्वियसली उस वक्त के लिए। अच्छा, यहाँ जितनी लड़कियाँ आई हुई हैं, अगर वो आर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं और थोड़ा सा अगर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर है कि ये नहीं ये कर लो, तो उनसे क्या कहेंगी आप? वो कोई ऐसी स्पीच है तैयार, कोई डायलॉग है जो आप माँ बाप को कह सकें और वो कहें कि जी जाओ बेटा जी लो जिंदगी? मैं उस तरफ देखती हूँ और वो लोग सब मुझसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सारे 8,000 लोग मुझसे कुछ ना कुछ बोल। आप मुझे देखें ना, मैं सिर्फ आपको देखती हूँ। चले जी, तो आर्ट्स में आने के लिए अगर स्पेशली लड़कियां आना चाहें तो वो अपने पेरेंट्स को कौन सा डायलॉग बोले कि वो कन्विंस हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा डायलॉग ये है कि अल्लाह ना करे अगर ये चीज नहीं चलती, चाहे वो कोई भी आपकी चॉइस हो, चाहे वो शादी हो, एजुकेशन हो, करियर हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी वजह से ख़राब हुआ, ये मेरी गलती है, ये मेरे सर पे। जब किसी और की वजह से होता है, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ना हो, फिर देन देयर इज़ अ ब्लेम गेम, सो और फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं खुद लेना चाहते। आप कहते हैं नहीं, मेरी माँ ने ये किया था या मेरे बाप ने ये किया था। All my decisions, most of them, मेरे सारी choices जो थी वो मेरी अपनी थी, most of them. तो कोई plan B रखा था आपने कि in case acting doesn't work out, in case ये ख्वाब ना पूरा हो तो मैं ये कर लूँगी?
इन माय लाइफ अप अंटिल नाउ ये जरूरी है कि प्लान भी होना चाहिए, मुझे लगता है ये जरूरी है, लेकिन मेरा कभी प्लान भी रहा ही नहीं, यही था डू और डाई। डू और डाई, आई एम लाइक दैट आल्सो। आपको लगा इनने कुछ अचीव कर लिया है अपना ख्वाब थोड़ा बहुत? आपको लग रहा है मायरा खान ने कुछ अचीव कर लिया अपने लिए, हमारे लिए? अच्छा, हम डे वंस की बात कर रहे हैं, तो डे वन पे जब मैंने इन्हें देखा था, एक अवार्ड शो था जहां ये आई थिंक एज ए वीजे थी, और मैंने कहा मुझे इनके साथ काम तो करना है, ये इतनी फुल ऑफ लाइफ, इतनी हाई एनर्जी लोग होते नहीं हैं। एंड अ फ्यू इयर्स लेटर आई फाउंड अ वे, मैंने इनको चोरी करने की कोशिश की किसी और चैनल से। आई हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद हर फॉर 4-5 ईयर्स। वो हमारे भी म्यूजिक और वीजे वाले जमाने थे। अच्छा, एक्टिंग करियर, डे वन ऑफ एक्टिंग करियर। बट यू नो, कैन आई से समथिंग? ऑफ कोर्स। आई एम नॉट श्योर के व्हाट इट वाज अबाउट दोस अवार्ड्स। आई थिंक आप वो भूलबन के अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। एमटीवी आ हुए। ओह, इवन बिफोर दैट। ओह वाओ, ओह वाओ, वाह, वेरी गुड। माय मेमोरी इज हॉरिबल, लेकिन अल्लाह। So, but so many people have come to me and said, we remember you from those awards. Yeah, for some reason. But you're talking about MTV, MTV. Yep. No, you're talking about? MTV launch event. Oh, you're talking about MTV launch event. Okay, fine. Oh, wow. Long time. My memory is very good. Creepy had tak. You were wearing white. Can I tell you the reason why I love you for a lot of reasons. One of them is that you've known me for so long. क्या क्या चाहते हैं आप लोग, बताएं मुझे। मैं क्या गाना गवाऊं, महाराज से शायरी करवाऊं? देखिए, फोटो तो आप सबके साथ अभी नहीं खिंचवा सकती हूँ। चले, ये प्यार है इन लोगों का, different sort of expression, ये इस तरह express कर रहे हैं अपना प्यार आपके लिए, तो ठीक है, बीच में मैं आप लोगों से भी बात करता रहूंगा। इनको हाथ हिला दें, खुश हो जाए। अच्छा मायरा, आपका पहला अवार्ड क्या था? पहला अवार्ड जो मैंने जीता था, पहला अवार्ड एज एन एक्टर, एज एनीथिंग, एक पहली दफा स्टेज पे जाना और अपने काम के लिए रिकॉग्नाइज होना, वो याद है आपको क्या था पहला? और द सेकंड वन इफ यू रिमेंबर, और वन आई थिंक द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन वाज हमसफर जी। बिफोर दैट स्कूल में अवार्ड्स, यू नो, ऑल दीस थिंग्स, बट आई थिंक हमसफर के लिए जब मिला था तो इट वाज अ बिट लाइक व्हाट, I didn't expect it, but it was really nice because we all won. And now every time I win an award, I'm reminded ki, you know what, these are also blessings. There was a time in the middle Vajahat where I had gotten very off awards. And even now, whether I get it or not, whether I go or not, you know, I get invited a lot of places. If I get to go, if I have time, or if I can take out time from my personal life at the moment, I go. Otherwise, there was a time where I had become disheartened because there was such a big thing about awards, that is it rightfully given or wrongfully given, and in my head I was just like, take them all, take it all, you know, this means nothing to me. But I've come to a point now that every little thing, and I think this is age, every little thing which is good, any little recognition, I think it's a blessing. It's a real, real blessing. So, usko aapko kehna ke nahi chahiye mujhe, wo nahi karna chahiye. Ji, abhi tak jaag rahe hain, zinda hai sab log? Itni zabardast apne life experiences bata rahi hai Mahira. We should all learn from it. जब हम पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं, कोई गलती ऐसी की आपने, कोई, मैं कह रहा हूँ जहाँ इतनी अचीवमेंट्स और पॉजिटिव चीजें हैं, कोई ऐसी गलती आपने की हो कि जो आप कहें कि
कोई ऐसी गलती मिस्टेक की हो कि हाँ उसके अलावा कोई जेनेरिक सी गलती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत गलतियाँ की हैं, इंसान तो गलती का है पतला। मुझे लगता है कि और गलतियों से इंसान सीखता है जैसे फेलियर्स से सीखता है। इफ़ यू आस्क मी मैंने अपनी सक्सेसेस से क्या सीखा, आई बी एबल टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स, बट जो मैंने अपनी फेलियर्स से सीखा है that keeps me going. वो मैंने लिखा हुआ है। कुछ शेयर करें जितना हमें बता सकती है। Well, देखिए मुझे लगता है पहली बात तो ये जो मेरे में मुझे लगता है गलती है या पर्सनैलिटी ट्रेट है, आई एम इनडिसाइसिव, यू नो आई नो आई एम इनडिसाइसिव, बहुत देर कर देता हूँ। सुनी है ना आपने, तो बस वो मेरा वही चक्कर है। तो मैं कभी कभी देर कर देती हूँ फ़ोन उठाने में, मैसेज करने में, स्क्रिप्ट पढ़ने में, सोचने में। इसको ओवरकम करना चाहेंगे आप? यू वांट टू डू बेटर? या आई वांट टू डू बेटर, आई वांट टू डू बेटर। गलतियाँ मुझे लगता है कि एक टाइम था जहाँ मैं बहुत अफेक्ट हो गई थी कि लोग क्या कह रहे हैं। वो गलती तो नहीं है, मुझे लगता है सभी अफेक्ट होते हैं, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये मैंने क्यों किया, यू नो मैंने बहुत सारी चीज़ें जाने दी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लोगों की वजह से या बातों की वजह से। तो मुझे लगता है कि जब अपने आप को अपना आप पता होता है अच्छी तरह, तो फिर आप डिसीजन स्विफ्टली भी करते हैं, आप फिर डिसीजंस जैसे मैंने कहा स्विफ्टली, और फिर आप प्रोकेस्टिनेट नहीं करते। सो आई थिंक आई एम देयर राइट नाउ, आई हैव अ फीलिंग, गुड फॉर यू, आई होप सो। अच्छा आप लोग सब इंस्टाग्राम पे होंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, उस हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि जब तनकीद होती है, जब प्यार मिलता है तो खूब मिलता है, और जब तनकीद होती है तो वो भी खूब होती है। खूब होती है जी जी, मेरे साथ प्यार भी बेशुमार मिलता है और तनकीद भी माशाल्लाह से होती है। आपको क्या लगता है कि ये एक ही लोग हैं जो प्यार भी करते हैं और फिर तनकीद, या वो अलग दो कौमें हैं? नहीं, आई होप कि ये सेम लोग नहीं है, फिर तो बड़े अफसोस की बात होगी। ये वाले लोग तो नहीं है जिनने नेगेटिव कमेंट किया है, इनने तो प्यार दिया है सर, राइट? और ये भी कसम खाएं कि आइंदा कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, पॉजिटिविटी फैलाएं, बी पॉजिटिव प्लीज, गो ऑन। सो आई जस्ट सो यस, फर्स्टली आई होप कि ये देयर आर पीपल हु प्रेज यू एंड दे लव यू, एंड देन देयर आर पीपल हु जस्ट आर यूज़लेस ट्रोल्स। आई टॉक अबाउट दिस अ लॉट, आई हैव, लेकिन कभी कभी तनकीद ज़रूरी भी होती है। कभी कभी जैसे शुएब साहब ने मुझे कहा था, एक दफ़ा मैं बहुत अपसेट थी वरना के टाइम पे, और शुएब साहब ने कहा देखो जो इज्जत तुम्हें इस मुल्क ने दी है, जो मुकाम दिया है, उस पर तुम ये नहीं तो ये बहुत छोटी चीज़ है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, कोई तुम्हारी तकलीफ कर रहा है, तुम्हें इन लोगों ने रखा यहाँ है तो थोड़ा तो इनका हक है, और हक है, बिल्कुल हक है। एक साहब है, पता नहीं यहाँ मेंशन करना चाहिए कि नहीं, मायरा के बहुत फेवरेट है, उनका नाम है शाहरुख खान साहब। मैं इस रेलेवेंस से एक बात करूं, जब ही ऑल्सो गॉट इन ट्रबल तो उन्होंने कहा कि आई हैव दिस आर्मी विद मी जो विच आर माई फैंस, सो नो मैटर हाउ बैड इट हैपेंस, ये सब हमेशा मेरी साइड पे रहेंगे। तो मुझे लगता है मायरा के लिए भी यही सही है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं हमारे करियर में, लाइफ में, लेकिन आप जैसे फैंस हो मायरा के तो ज़बरदस्त हो जाए। आज मुझे बड़ी शराफत से इंटरव्यू करना पड़ रहा है, वरना एक दूसरा मेरा भाई है जो शो करता है जी, वो अगर वो आज जहाँ होता तो शायद बच के ना जाता आपके हाथ से,
वो भी हमने करना है वहां पे. अच्छा, दिस लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज बीइंग टू फेमस आल्सो अकर्स. एक लोग हैं हमारे सब दोस्त हैं इंडस्ट्री में, दे डन वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, बट देन यू नो टू फेमस बीइंग टू फेमस ये बहुत बुरा है कि कभी कभार आप सोचती हो कि अल्लाह मुझे थोड़ा सा कम मिल जाता जब भी मैं खोजती. I have never thought that. Never. I am very, very grateful, alhamdulillah, for all the love that I've been given. I've never thought that. Ki is it a curse? Of days pe bhi nahi. Main aapko kya bataun? Kyunki dekhiye, agar mere abba yahan hote, to ek banda to hota. जो हेल्प उठाता और कहता ये जो कह रही है सच कह रही. मैंने जो चाहा था और जो प्रोफेशन और पैशन था मेरा वो मुझे अल्लाह मैंने दिया. अब उसके बारे में मैं आई कॉन्ट बी अनग्रेटफुल अबाउट दैट. हाँ, अबाउट अदर थिंग्स यस. इसीलिए आप नोटिस करते हैं बहुत सारे मेरे एक्टर दोस्त हैं वो कहते हैं यार तुम जहाँ जाती हो रुक जाती हो, तस्वीर खिंचा लेती हो, तुम ये कर लेती हो. कहती हूँ यार मैं एक और चीज भी कहूँ, मैं चाहे जिसके बारे हो गलत हो गया. चेक कर ले कुछ स्टेज पे वजाद, ये सारे बच्चे 30-40 हजार अंदर बाहर हैं. वो मायरा खान से एक कमिटमेंट चाहते हैं कि वो इस बलोचिस्तान में फिल्म बनाएगी और यहाँ पे शूट करेगी. अगर आप खामोश हो तो मैं ऐलान करूंगी कि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग मैं तुम ऐलान करो मैं फिल्म बनाऊंगा तुम ऐलान करो बलोचिस्तान में फिल्म बनाऊंगी. मैं क्या ऐलान करूं? क्या बलोचिस्तान में अगर फिल्म तुम्हें ऑफर होती है तो बलोचिस्तान के यूं नौजवानों पे यहाँ की एनर्जी पे एक फिल्म बजात रहूं प्रोड्यूस करेगा मैं प्रोड्यूस करूंगा तुम उसमें स्टार होगी. इनको बताओ इनको. अच्छा जी, ये एक छोटा सा सेगमेंट है गेटिंग टू नो माहिरा. इसमें तेज से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, बड़े इजी है, कोई मसला नहीं. सो आपकी फेवरेट डिश? फेवरेट डिश मुझे नाश्ता अच्छा लगता है तो मुझे फ्राइड अंडा, टोस्ट, पराठा, ऑमलेट, सब्जी, पूरी ये पसंद. माहिरा का फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग. फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं. अच्छा, मैं हिंट दूं? माहिरा का एक गाना किसी को याद है जो है होना था प्यार गाए? ओके जी, तो गाना यही है कि गाना I like old school songs. होना तो प्यार की तो क्या ही बात है, लेकिन यू नो I like जाने वो कैसे मिले साथ गाए मिलके हम मिले तो जब कलियां So, yeah, बड़े मेरे फेवरेट शायर हैं, एक तो साहिर लुधियानवी साहब और मेरी फेवरेट फिल्म है प्यासा. मेरे आगे इसलिए पे था कि कोई शेर सुनाए, अभी सुना दे साहिर साहब का. ओके, फेमस स्मेल? स्मेल, फेमस स्मेल, खुशबू. फेमस नहीं, फेवरेट. फेवरेट फेमस स्मेल मी फेवरेट
मुझे जैस्मिन, मुझे मोतिया की खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारा सेगमेंट शायद एंड हो रहा है, वहां से कुछ इशारा आया। कौन सी ड्रीम रह गई है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, के ये करना है? कौन सा ख्वाब रह गया, कौन सी ड्रीम रह गई है? बहुत सारे ख्वाब रह गए। आई डोंट नो, कहते हैं अपने ख्वाब बताने नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने बड़े जोर जोर से अपने ख्वाब बताए थे, वो पूरे हो गए। तो इस वक्त मुझे नहीं पता इसको ख्वाब कहेंगे या नहीं। इस वक्त मेरा दिल है और मेरी दुआ है कि मेरे अम्मा अब्बा दोनों सेहतमंद हो। सब आप मेरी अम्मा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, जिनकी तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब है, और मेरे अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा। आमीन। सबके अम्मा अब्बा सही रहे सलामत। मेरे लिए अपना ख्वाब, आई थिंक आई वुड लाइक टू डायरेक्ट, आई वुड लाइक टू डायरेक्ट अ फिल्म और अ सीरीज। आई'd लाइक टू राइट, आई'd लाइक टू वन डे इंशाल्लाह बिकम एन एक्टर, जिसपे एक भी बंदा ये ना कह सके कि इसको नहीं आता अपना काम। इसके साथ हम इजाजत चाहेंगे, आप प्लीज अपना जाते जाते माहिरा खान को अपना प्यार शो करें। एक मिनट, एक मिनट, डायलॉग मुझे बोलना है इनके लिए। ओके, इतने लंबे लंबे डायलॉग, वाह 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 वाह। आप अपनी फिल्म का कह दे कोई। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना, अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, ये तो बहुत लंबा डायलॉग है, लेकिन मैं कौन सा बोलूं? अच्छा, बोल रही डायलॉग है, एक जुमला बोल दो। रे मौलिया, एननु दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशहूका। Thank you very much. Please give it up for the superstar, Myra Khan.